अब हम देखते हैं आगे हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या लिखा है, अंडरस्टैंड द रूटीन। यहाँ पर एक लड़की की रूटीन दी है जो हमें समझनी है। फर्स्ट क्या लिखा है, वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के बाद क्या करती है वो लड़की, क्लीन द टीथ एंड टंग, यानी कि सुबह जल्दी उठने के बाद वो लड़की उसके टीथ एंड टंग है वो क्लियर करती है। देन क्या लिखा है थर्ड नंबर पर, टेक अ बाथ, देन वो लड़की बाथ लेती है। देन उसे स्कूल जाने होता है तो क्या लिखा है, गेट रेडी, वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। देन लिखा है टेक अ ब्रेकफास्ट, रेडी होने के बाद वो सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता, जो वो रेडी हो जाती है तब वो नाश्ता खाती है। देन क्या लिखा है, गो टू स्कूल, सुबह का नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जाती है। बाद में क्या करती है, स्टडी इन स्कूल, स्कूल जाने के बाद वो स्कूल में पढ़ाई करती है। देन क्या लिखा है, टेक अ लंच इन द आफ्टरनून, स्कूल में वो दोपहर के टाइम पे लंच लेती है। देन क्या लिखा है, कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, बाद में वो स्कूल से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद शाम को वो क्या करती है, प्ले विथ फ्रेंड्स, शाम को वो उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती है। देन क्या करती है, वो डू होमवर्क स्टडी, यानी कि बाद में वो होमवर्क करती है एंड जो भी स्टडी करना हो वो करती है। देन क्या लिखा है, गो टू स्लीप अर्ली, और रात को बहुत देर तक नहीं जागती है, वो जल्दी ही सो जाती है। तो ये एक लड़की का रूटीन था, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेकेंड स्टेप है क्लीन टीथ एंड टंग, थर्ड स्टेप है टेक अ बाथ, फोर्थ नंबर का स्टेप है वो है गेट रेडी, यानी कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाना। फाइव नंबर का जो स्टेप है वो है टेक अ ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह का नाश्ता लेना। देन है गो टू स्कूल, देन स्टडी इन स्कूल, देन टेक अ लंच इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का जो खाना होता है वो खाने का। देन क्या है, कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से घर वापस आ जाना, प्ले विथ फ्रेंड्स, डू होमवर्क, गो टू स्लीप अर्ली। उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्सरसाइज दी होगी, वो हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। यहाँ पर है एक्सरसाइज नंबर वन, राइट द करेक्ट ऑर्डर इन बॉक्स अकॉर्डिंग टू द रूटीन, यानी कि यहाँ पर ये जो लड़की थी उसका रूटीन हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को हमें नंबर देना है कि कौन सा पिक्चर फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, उसे उसके रूटीन के हिसाब से उन पिक्चर में हमें नंबर देना होगा। तो हमें पता है कि वो लड़की पहले तो क्या करती थी, सुबह होती थी तब जल्दी से उठ जाती थी, तो ये रहा वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसे देंगे नंबर वन। देन वो क्या करती थी, उसके टीथ एंड टंग क्लियर करती थी, तो ये रहा उस पर आएगा सेकेंड नंबर। देन वो लड़की बात लेती थी, लेकिन बात वाला पिक्चर यहाँ पर नहीं है। देन वो क्या करती थी, वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती थी, तो ये रहा वो पिक्चर, तो ये आएगा नंबर थ्री। देन वो ब्रेकफास्ट लेती थी, तो ये रहा पिक्चर, तो उसे आएगा नंबर फोर। ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो लड़की स्कूल पर जाती थी, तो ये रहा कि वो बस में जा रही है, तो इस पर आएगा नंबर फाइव। देन वो स्कूल में क्या करती थी, स्टडी करती थी, तो इस पे आएगा नंबर सिक्स। देन शाम होने पर या फिर दो तीन बजे के आसपास वो घर पर वापस आती थी, तो इस पे आएगा नंबर सेवन। देन शाम को वो स्टडी करती थी, खेलती थी, उसके बाद स्टडी करती थी, तो ये आएगा नंबर एट। तो ये हमने क्या किया, अकॉर्डिंगली नंबर दिए जो भी पिक्चर्स थे, उसमें कौन सा पिक्चर फर्स्ट आएगा, उसके बाद वो लड़की क्या करती थी, उसे सेकंड, देन क्या करती थी, उसे थर्ड, वैसे नंबर हमने दे दिए। तो इस पे फर्स्ट आएगा कि गेट वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लीन अ टीथ एंड टंग, देन क्या है गेट रेडी, देन क्या है टेक अ ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल, देन स्टडी इन स्कूल, देन कम बैक फ्रॉम द स्कूल, एंड देन लास्ट में क्या है, डू होमवर्क या फिर स्टडी करना। तो ये पूरी रूटीन हो
हो गई। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर टू, क्या लिखा है। पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटीज डन इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूटीन। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी है, उस एक्टिविटीज़ को देखना है और उसमें हमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है वो मॉर्निंग में होती है, रूटीन के अनुसार कौन सी एक्टिविटी मॉर्निंग में होती है। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन क्लीन टीथ एंड टंग, तो ये रहा टीथ एंड टंग क्लीन करने वाली एक्टिविटी, तो उसके नीचे राइट मार्क करना होगा। यहाँ पर दूसरा पिक्चर है, उसमें एक लड़का टीवी देख रहा है, तो टीवी देखना वो तो शाम का काम है यानी कि ये नहीं आएगा। देन यहाँ पर लड़की दिखाई दे रही है, वो लंच ले रही है, तो वो दोपहर का काम है, वो भी यहाँ पर मॉर्निंग के रूटीन में नहीं आएगा। देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है फोर्थ नंबर के पिक्चर में एक लड़का सो रहा है, तो वो तो हमारे नाइट का रूटीन के अकॉर्डिंग वो नाइट में आता है, तो उस पर भी राइट मार्क नहीं करना होगा, ओनली इस एक्टिविटी में राइट मार्क करना होगा। देन एक्सरसाइज नंबर थ्री, पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटीज डन इन द आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू द रूटीन। यानी कि रूटीन के अनुसार कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो दोपहर को होती है, उस पर हमें राइट मार्क करना है। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें एक लड़का बाथ यानी कि नहा रहा हो वैसा लग रहा है, तो ये तो मॉर्निंग की एक्टिविटी है। देन क्या है, यहाँ पर सारी लड़कियाँ खेल रही है, तो ये तो इवनिंग की एक्टिविटी है, तो ये भी नहीं आएगी। देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक जो लड़की है वो लंच ले रही है, तो ये हमारे मॉर्निंग की एक्टिविटी, ये हमारे आफ्टरनून की एक्टिविटी है। और ये लड़की है जो उसके टीथ एंड टंग क्लीन कर रही है, वो एक्टिविटी मॉर्निंग की है यानी कि आफ्टरनून की एक्टिविटी ये वाली है। देन क्या लिखा है, एक्सरसाइज नंबर फोर, पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटी डन ड्यूरिंग द इवनिंग अकॉर्डिंग टू द रूटीन। यानी कि यहाँ पर इवनिंग में कौन सी एक्टिविटी है जो रूटीन के अनुसार फॉलो होती है, यानी कि रूटीन के अनुसार कौन सी एक्टिविटी है जो इवनिंग में करी जाती है, तो यहाँ पर स्लीपिंग वो तो नाइट की है। स्टडी वाली एक्टिविटी कौन सी है, इवनिंग की एक्टिविटी है, तो यहाँ पर हमें राइट मार्क करना होगा। यहाँ पर एक लड़की सो रही है, वो भी एक्टिविटी नाइट की है। ये लड़का टाई बांध रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, गेट रेडी फॉर गोइंग स्कूल, इसका मतलब ये हुआ ये एक्टिविटी भी मॉर्निंग की है, तो ये वाली एक्टिविटी आएगी। वैसे ही देखते हैं एक्टिविटी नंबर फाइव, एक्सरसाइज नंबर फाइव, पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटी डन एट नाइट अकॉर्डिंग टू द रूटीन। यानी कि यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ बताई है, उसके अनुसार कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो रात को होती है, उस पर हमें क्या करना होगा, राइट मार्क करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट है बाथ लेना यानी कि स्नान करना, नहाना, तो वो मॉर्निंग की एक्टिविटी है। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी इवनिंग की है। स्कूल से रिटर्न आना, वो भी इवनिंग की एक्टिविटी है। रात के टाइम हम लोग सो जाते हैं, तो ये रही नाइट की एक्टिविटी, तो उस पर हमें, उसके नीचे बॉक्स दिया है, उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सिक्स, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी मेकिंग रोटी इन गिवन बॉक्स। यहाँ पर रोटी कैसे बनती है, रोटी बनाने का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हमें यहाँ पर बताना होगा कि कैसे रोटी बनी, और हम लोग खाते हैं रोटी। हमने ये एक्सरसाइज हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी देखी थी, यहाँ पर रोटी बनके यहाँ पर एक लड़की खा रही हो वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन रोटी खाने से पहले उसके साथ कौन कौन सी प्रोसेस होती है, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, वो सारे स्टेप को हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं। उन पिक्चर्स में कौन सा स्टेप पहले होता होगा, कौन सा स्टेप थर्ड होता होगा, कौन सा स्टेप लास्ट होता होगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर देने होंगे। तो रोटी हम लोग किस में से बनाते हैं, गेहूं में से। तो पहले क्या होता है, गेहूं होते हैं, उसे पीसना होता है, चक्की में ले जाकर उसे पीसना होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं
ये भैया क्या कर रहे हैं, गेहूँ पीस रहे हैं। गेहूँ पीस कर वो जो गेहूँ थे उसमें से फ्लोर बना रहे हैं। तो ये स्टेप आएगा हमारा नंबर वन। देन क्या दिख रहा है, ये भैया है वो फ्लोर निकाल रहे हैं। अगर हम लोग गेहूँ पीसे उस फ्लोर को हम लोग डिब्बे में भरेंगे, उस डिब्बे में से अगर हमें रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, तो उसके लिए पहले फ्लोर डिब्बे में से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भाई डिब्बे में से फ्लोर है वो निकाल रहे हैं, तो वो आएगा नंबर टू, स्टेप नंबर टू। देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लोर है उसे निकालने के बाद उसमें ऑयल, वाटर, सॉल्ट वो सब डालते हैं। तो ये रहा ये वाले भैया, ये वाले जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है कि भैया वाटर और वो सब ऐड कर रहे हैं, तो वो आएगा नंबर थ्री। उसके बाद वो सभी को फ्लोर, ऑयल, वाटर, सॉल्ट सभी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होता है और उसका एक डो बनाना होता है। तो यहाँ पर उसे अच्छे से भून कर ये भैया डो बना रहे हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। तो वो आएगा हमारा नंबर फोर वाला स्टेप। उसका डो बनाने के बाद उसके जितनी बड़ी रोटी चाहिए उतने पीसीस करके यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसे अच्छे से बेलना होगा। तो यहाँ पर ये भैया उसे अच्छे से बेल रहे हैं, इसका मतलब वो आएगा स्टेप फाइव। देन उसे सेकेंगे और उसके बाद ही हम चपाती को खा सकेंगे। तो ये रहा नंबर सिक्स। तो कैसे होगा, पहले गेहूं को पीसना होगा, पीसने के बाद उसे उसका जो फ्लोर होगा उसे डब्बे में से निकालना होगा। डब्बे में से निकालने के बाद उसमें वाटर, सॉल्ट एंड ऑयल ऐड करना होगा। उनको ऐड करने के बाद उस जो आटा है उसे अच्छे से भूनकर बनाना होगा। देन उसके डो बनाने होंगे और उसकी हेल्प लेकर हमें क्या करना होगा, उसे अच्छे से बेलन की हेल्प से रोटी बनानी होगी। उसके बाद उसे सेकना होगा, सेकने के बाद ही हम लोग रोटी खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज नंबर सिक्स फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।